वनवासे, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। अब तो और भी तीव्रता से विस्तार हो रहा है इस महासंकट रूपी अंधकार का। कितनी भी प्रचंड अंधकारमयी शक्तियों का वार कर ले ये शतान, परंतु मेरे स्वामी पर और उनके स्वामी किसी पर भी उन शक्तियों से उत्पन्न किसी कुत्सित अंधकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण वरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। कैसे मिट रहा है ये अंधकार, निष्फल कैसे हो रहा है मेरा प्रहार। असाधारण पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण उस आंचल का चीर है ये, जो पतिव्रत धर्म निभाते समय माता की ढाल बना। जिस आंचल से माता ने अपने पावन अश्रु को पोंछकर उसे अत्यंत पवित्र बना दिया, उसी आंचल से विलग किया हुआ चीर है जिसमें पतिव्रत धर्म के पालन से संचित अपार शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति का प्रभाव नष्ट कैसे हो गया? प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! माता का निस्वार्थ स्नेह, उनके तप त्याग और निष्ठा की जो शक्ति उन्होंने हमारे साथ भेजी थी, उसी ने हमारी रक्षा की। देवी जानकी के वस्त्र के चीर ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है कि देवी सीता से पृथक रहकर इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे श्री राम। और ये इस बात का भी संकेत है कि ये अधर्मी महाराक्षस अब अधिक समय तक प्रभु और देवी सीता की सम्मिलित शक्तियों से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका सर्वनाश निश्चित। शतानंद की गर्जना उसकी बौखलाहट दर्शा रही है। प्रतीत हो रहा है वो किसी प्रचंड आक्रमण का प्रारंभ कर रहा है। वो अंधकार तो नष्ट हुआ, किंतु प्रतीत होता है शतानंद की अंधकारमयी शक्तियों से उत्पन्न संकट अभी भी शेष है।
भाभी माँ, भैया की आज्ञा से बंधा ना होता तो इस महायुद्ध में मैं भी उनके साथ होता। इस महासंकट के समय में मुझे उनके साथ होना चाहिए। इसलिए पिछली बार के समान आप मुझे पुनः जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी माँ ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा। नहीं लक्ष्मण भैया, एक बार प्रभु इच्छा के विरुद्ध आपको जाने पर विवश कर इतने दीर्घ काल के लिए मैं प्रभु विरह की भागी बनी। पुनः उस विरह वेदना को नहीं सह सकूंगी मैं। मनुष्य को भूल से भी अपनी किसी भूल को नहीं दोहराना चाहिए, अपितु उससे सीख लेकर अपने भविष्य के निर्णय और व्यवहार में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए। लक्ष्मण भैया, तब आप नहीं जाना चाहते थे परंतु मैंने हट किया। आज आप जाने में इच्छुक हैं, किंतु मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु की आज्ञा के पालन में ही हम सबका हित नहीं। आप सर्वथा उचित कह रही हैं भाभी माँ। मैं तो इसलिए इतना उत्तेजित हो रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब शीघ्र हमारे समस्त संकटों का अंत हो जाए। शीघ्र अतिशीघ्र अंत होगा इस विनाशी युद्ध का। शतानन और उसके मायावी योद्धा अंत करेंगे इस वनवासी और उसकी वानर सेना का। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा तो वो वानर और वो वनवासी हमें पहचान सकता है। जैसा भी अस्त्र चला लो वनवासी, अपनी मृत्यु को नहीं छल सकोगे। तुमने छल से वध किया था ना दशानन का, अब देखना शतानन कैसे अपनी माया के बल पर तुम सबका अंत करेगा। कुछ ही क्षणों में वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जिसके पश्चात लक्ष्मण और सीता का भी वध करवा दूंगा मैं उससे। बस, बहुत बोल चुके हो तुम। शतानन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते तुम। Whoa!
मेरे वार से एक और शतानन उत्पन्न नहीं हुआ अपितु वो आहत हुआ, ये कैसे हुआ? हनुमान ने शतानन को वश में करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अब ये सेना कुछ नहीं कर सकेगी, इसे रोकने का उपाय प्राप्त हो गया मुझे। अपने इन सभी प्रतिरूपों के मध्य ही कहीं होगा वास्तविक शतानन रावण। अगर वो वेदना में है तो उसके प्रतिरूप ही होंगे। वो वास्तविक शतानन रावण ही मेरा लक्ष्य है। वानर तो शतानन पर हावी हो रहा है। वानर! शतानन को पराजित करना इतना सरल नहीं है। मैं पुनः अपने प्रतिरूपों के मध्य खो जाऊंगा। शतानन ने उस वानर का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध छोड़कर कहां चला गया? प्रभु, शतानन को नष्ट करने का यह अवसर व्यर्थ हो गया। प्रभु, वो दुष्ट अचानक मेरे सामने से ओझल हो गया। हनुमान, शतानन के अदृश्य होने के समय क्या आपने मायासुर को वहां देखा था? नहीं महाराज विभीषण। अर्थात वो दोनों एक साथ ही कहीं छिपे हैं। मुझे इसी बात की चिंता है प्रभु। मायावी प्रपंच रचने में प्रांगत मायासुर और शतानन कहीं कुछ और महाविनाशकारी तो नहीं रचने जा रहे हैं? प्रभु, हमें पुनः सतर्क हो जाना चाहिए। शतानन की प्रतिरूपी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर रही है। जब तक वास्तविक शतानन का अंत नहीं होता, ये सभी ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे।
प्रभु, अभी तक इनके विरुद्ध हमारा सबसे सशक्त और प्रभावी अस्त्र तीव्र प्रकाश ही रहा है। इसलिए यदि स्वयं प्रकाश पुंज आदित्य इस पुष्कल द्वीप पर अपना प्रकाश बिखेर दे तो ये सभी स्वतः नष्ट हो जाएंगे और इन सब को नष्ट होता देखकर वास्तविक शतानन को भी हमारे समक्ष प्रकट होना पड़ेगा। प्रभु, आपके एक आदेश पर एक नहीं सभी द्वादश आदित्य प्रस्तुत हो जाएंगे। महाराज सुग्रीव, एक साधारण नर होकर मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता हूं? प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, ये तो प्रभु सर्वज्ञात है। आप किसी भी अवस्था में अपनी मर्यादा का त्याग कदापि नहीं करेंगे, इसलिए आप आदेश नहीं देंगे। परंतु प्रभु, आप पूजा कर उन्हें यहां पर उपस्थित होने का अनुरोध तो कर ही सकते हैं। प्रभु, उसमें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। जिस प्रकार आपकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई, उसी प्रकार यदि आपने समस्त द्वादश आदित्य के नाथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना की तो प्रभु वो भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकेंगे और हम सबको अवश्य इस संकट से उबारेंगे। दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है सभी द्वादश आदित्य से सहायता प्राप्त कर आप इस राक्षस सेना को अशक्त बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश अपनी मर्यादा का पालन करने हेतु वो अपना मार्ग त्याग कर यहां तो नहीं आ सकते, परंतु इस मार्ग से जाते समय वो अपना दिव्य तेज इस दिव्य द्वीप पर अवश्य केंद्रित कर सकते हैं। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको मात्र उनके नाम का स्मरण करने की आवश्यकता होगी, परंतु स्मरण रहे सभी द्वादश मात्र एक ही बार आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान उनके मार्ग में एक ही बार आएगा और अंतिम आदित्य की प्रकाश की लालिमा
क्षीण होने के पूर्व ही आपको वास्तविक शतारण के वध करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा वो अवजित रहने में सक्षम हो जाएगा। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करे, ईश्वर अवश्य मार्गदर्शन करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।